अगर आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट नहीं हो पा रहा है तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना होगा आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर ऐप पे आ जाइएगा और इंस्टाग्राम सर्च करके और इस ऐप को इंस्टाग्राम ऐप को सर्च करके यहाँ पर देखेंगे आपको अपडेट का ऑप्शन शो करेगा। और अभी आप देख सकते हैं मेरे ओपन का शो कर रहा है क्योंकि मैं अभी भी अपडेट किया हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, देन इसके बाद ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद जिस भी अकाउंट को आपको प्राइवेट करना है आप उस अकाउंट को लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस अकाउंट को मैं प्राइवेट करना चाहता हूँ, इसके लिए अब हम अपने प्रोफाइल पे आ जाएंगे। प्रोफाइल पे आने के बाद आपको जाना है यहाँ ट्रिपल लाइन पे, ये रहा ट्रिपल लाइन, और यहाँ पर आने के बाद सेटिंग इन प्राइवेसी यानी पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है हमको, ये रहा क्लिक कर दिया हमने। और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर सिंथ यहाँ पर लिखेगा अकाउंट प्राइवेसी, ठीक है ना। आपको अकाउंट प्राइवेसी पे क्लिक करना है। अब अगर आपको अपना अकाउंट प्राइवेट करना है तो सिंपली इस वाले ऑप्शन को ओपन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको प्राइवेट करने के बाद क्या क्या होगा आपके सामने। व्हेन योर अकाउंट इज पब्लिक योर प्रोफाइल एंड पोस्ट कैन बी सी बाय एनीवन, यानी अगर अभी जो मेरा अकाउंट है अगर मैं इस अकाउंट पे कोई भी पोस्ट करता हूँ कोई भी रील्स डालता हूँ तो सब कोई देख सकता है। वहीं अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ ये प्राइवेट हो चुका, ठीक है ना। अब क्या होगा जो मेरे फॉलोअर होंगे यानी मुझे कोई जो भी फॉलो किया होगा बस वही लोग मेरे पोस्ट को देख सकते हैं मेरे रील्स को देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरा ये एक आईडी सर्च करके आप कोई भी मेरा बस अकाउंट देखेंगे, आप मेरा कोई पोस्ट नहीं देख सकते हैं कोई रील्स नहीं देख सकते हैं। जब तक आप मुझे फॉलो नहीं करेंगे और उधर से मैं उसको कन्फर्म नहीं करूँगा तब तक आप मेरे पोस्ट या फिर रील्स को नहीं देख सकते। तो प्राइवेट करने के ये फायदे हैं और इस तरह से आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं।